अगले तो आज हम मैजिक स्क्वायर का प्रोग्राम देखेंगे। तो मैजिक स्क्वायर में हम समझेंगे, यहाँ एक सिंपल एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 7 6 9 5 1 और 4 3 8 एलिमेंट है। इसमें हम इस मैट्रिक्स में समझेंगे, अगर रो वाइज सम करते हैं यानी 2 7 6 का अगर सम निकालते हैं तो ये आएगा 15। फिर दूसरा रो में सम करते हैं 5 9 5 1 का भी 15 आएगा, 4 3 8 का भी 15 आएगा। सेम अगर कलम फर्स्ट कलम का सम निकालते हैं 2 9 4 का सम 15, 7 5 3 का सम 15 और 8 6 8 6 1 8 का भी सम 15 आएगा। डायगोनल अगर निकालते हैं 2 5 8 का सम 15 आएगा, 6 5 4 का सम 15 आएगा। यानी अब जिस तरफ सम निकाले तो उसका जो सम होगा वो 15 आएगा। तो 15 होगा तो इसको हमें क्या है, प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रूव करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इंट मेन। मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप ए एक 2 डायमेंशनल एरे देते हैं 3 बाई 3 का, आई देते हैं फॉर लूप के लिए आई और जी, सम डी देते हैं, डी वन दे देते हैं डायगोनल एक के लिए और दूसरा डायगोनल के लिए हम दे देते हैं डी टू, और दोनों को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू ना रहे। इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर सम सी इक्वल टू 0 दे देते हैं ये कलम के लिए, सम आर इक्वल टू 0 देते हैं ये रो का सम निकालने के लिए, और एक एफ दे देते हैं बुलियन टाइप होगा ये 0 या 1 इसका वैल्यू होगा। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो मैसेज देते हैं प्रिंट एफ इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स स्लैश इन देते हैं लाइन ब्रेक, यहाँ इन नहीं चले, यहाँ इन इन लाइन देना होगा। और प्रिंट एफ चूंकि सी प्लस प्लस में हम बना रहे हैं तो ये सी आउट इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स और यहाँ इन रेल दे देते हैं, इन लाइन दे दिए। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक रो के लिए फॉर लूप लगाते हैं, रो फॉर आई इक्वल टू 0 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0 j < 3 जे प्लस प्लस। ये सिंपल हो गया, रो के लिए कलम हो गया आई वाला और जी वाला फॉर लूप हो गया कलम के लिए, रो के लिए आई वाला फॉर लूप और जी के कलम के लिए हो गया जे वाला फॉर लूप। अब क्या करना है, स्टोर करना है तो सिन ए आई जे, इसको क्या किया हम उस मैट्रिक्स में स्टोर कर दिए सिन फंक्शन का यूज करके। इसके बाद हम प्रिंट करना है तो प्रिंट सॉरी सी आउट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स को प्रिंट करना है तो फॉर आई इक्वल टू 0 i < 3 आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0 j < 3 जे प्लस प्लस। फिर प्रिंट करना है तो सी आउट ए आई जे दे देते हैं, इंड विथ स्पेस कर देंगे तो यहाँ हम स्पेस ऐड कर देते हैं तो स्पेस ऐड कर दिए। और जैसे लाइन ब्रेक होगा एक रो के बाद दूसरे रो में प्रिंट होना है तो उसके लिए हम देते हैं सी आउट इंड एल इंड लाइन कर दिए। तो पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स प्रिंट करके, यहाँ से कॉलम छूट गया, वन टू 3 4 5 6 7 8 9 तो ये मेरा मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले डायगोनल सम निकालते हैं दोनों बोथ डायगोनल का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल टू
जीरो आई लेस देन थ्री आई प्लस प्लस, फिर फॉर जे इक्वल टू जीरो जे लेस देन थ्री जे प्लस प्लस। डायगोनल सम निकालना है तो इसका कंडीशन, इसका पहले में डायगोनल कैसे इनमेट निकालेंगे उसका वीडियो मैं नीचे लिंक कर दूंगा। पहले डायगोनल सम का जो कंडीशन होता है, इफ कॉलम और रो बराबर होना चाहिए, यानी आई इक्वल टू जो अगर जे हो यानी मीन डायगोनल निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम डी वन इक्वल टू कर देंगे सम डी वन प्लस ए आई जे, मीन डायगोनल का निकल गया। अब जो माइनर डायगोनल या राइट लेफ्ट दोनों का निकालना है तो इफ दूसरा जो डायगोनल है उसका निकालने के लिए आई प्लस जे इक्वल टू थ्री माइनस वन करेंगे, यानी जो नंबर ऑफ, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हमेशा थ्री इंटू थ्री का होगा या फोर इंटू फोर का होगा, फाइव इंटू फाइव का होगा, यानी जो थ्री फोर फाइव जो होगा उससे माइनस वन होगा। यहाँ हम जब होगा थ्री माइनस वन अगर होगा तो सम डी टू इक्वल टू सम डी टू प्लस ए आई, सिंपल हो गया। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, इफ सम डी वन नॉट इक्वल टू सम डी टू अगर बराबर नहीं है तब एफ का वैल्यू को वन करो, अगर बराबर है तब फिर से चेक करेंगे कि रो बराबर है नहीं। यहां मैंने डायगोनल चेक कर लिया, अब रो चेक करना है तो यहां हम देंगे एल्स, एल्स में हम देंगे फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन थ्री आई प्लस प्लस। फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लूप के अंदर सम सी इक्वल टू जीरो कर देते हैं और सम आर इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ताकि जब फर्स्ट टाइम रो का सम निकले तो नेक्स्ट रो का सम निकालने समय रो का जो सम हो वो जीरो से काउंट हो। फिर हम फॉर आई इक्वल टू जे इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो जे लेस देन थ्री जे प्लस प्लस, ये हो गया। अब क्या करना है, सम निकालना है रो का, तो सम आर इक्वल टू सम आर प्लस ए आई जे, ये रो का सम निकल गया। कलम का सम निकालने के लिए सम सी इक्वल टू सम सी प्लस ए, पहले जे यानी कलम देंगे और फिर आई, ये कलम का सम निकल गया। और इसमें हम सिंपल आउटर फॉर लूप में जैसे ही मेरा एक सम निकलेगा तो आउटर फॉर लूप में कंपेयर करेंगे, इफ सम सी नॉट इक्वल टू सम डी वन, यानी एक जो आपका माइन डायगोनल है सिंपल एक डायगोनल से कंपेयर करेंगे, ऊपर तो मेरा डायगोनल कंपेयर हो गया है, एक डायगोनल डी वन या डी टू से कंपेयर करेंगे, अगर इक्वल टू नहीं है तब एफ इक्वल टू वन कर देंगे, एल्स इफ इफ अगर इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू है तब फिर से कंपेयर करो सम आर नॉट इक्वल टू सम डी वन, अगर बराबर नहीं है तब, यानी रो अगर बराबर नहीं है तब फिर एफ का वैल्यू वन कर दो, सिंपल हो गया। एल्स यानी ये बराबर है उस कंडीशन में एफ इक्वल टू जीरो रखना है, सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, हम बाहर कंडीशन लगाएंगे, इफ एफ इक्वल टू जीरो, यानी क्या है मेरा डायगो ये मैटी मैजिक स्क्वायर है तो लिखाएंगे हम जीरो अगर है तब सी आउट इज स्क्वायर, एल्स सी आउट इज नॉट, हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं, यहाँ सेमी कोलन नहीं है तो मैजिक स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसका
2769514 है, तो देंगे यहाँ 2769514438। यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक्स क्या है, मैजिक स्क्वायर है, यहाँ दिखा रहा है मैट्रिक्स इज मैजिक स्क्वायर। अब नॉट मैजिक स्क्वायर यानी अदर्स कोई भी हम देते हैं लाइक 1 2 3 4 करके ही देते हैं, तो चूंकि उसका सम सेम नहीं आएगा डायगोनल या डायगोनल रो या कॉलम का, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख सकते हैं ये नॉट मैजिक स्क्वायर है, किस लिए, तो यहाँ सम बराबर नहीं आएगा, यहाँ 23 पड़ गया, फिर भी अगर सम करेंगे तो चूंकि बराबर नहीं आएगा सबका, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट मैजिक स्क्वायर होगा। सेम लॉजिक यूज करके हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे पाइथन हो, सी में, जावा में, इस मैजिक स्क्वायर के प्रोग्राम को बना सकते हैं। थैंक फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।